जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल कयूम का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कयूम ने लश्कर कनेक्शन की बात कबूली है। उसने कहा है कि पाकिस्तान के मनशेरा में उसे ट्रेनिंग दी गई थी। यहाँ कराकरम होटल है, इस होटल के पीछे अबू हरारा मरकज है। मरकज से हमें फौजी गाड़ियों से पहाड़ियों के ऊपर ले जाया गया। यहाँ मेरा नाम अबू बकर मरकज रखा गया। वहाँ छोटी ट्रेनिंग देते हैं, कुरान की आयतें पढ़ाते हैं, फिर LMG M16 राइफल चलाना सिखाते हैं। इस तरह से वहाँ हमें 5-7 हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। ये सब एक हफ्ते के अंदर हुआ। इसके बाद हमें अल मरकज इलाके में ले गए, जहाँ हमें मकसद यही बताते थे कि कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में हिंदुस्तान काबिज है। वैसे सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में पता चला है कि कयूम ने लश्कर के लिए 50 लाख का चंदा इकट्ठा किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि कयूम हाफिज सईद का बॉडीगार्ड भी रह चुका है। इतना ही नहीं, कई अलगाववादी नेताओं से भी इसकी बात हुई है। पाकिस्तान का जिंदा सच एक बार फिर सबके सामने है। इससे पहले भी नौगाम से बहादुर अली पकड़ा गया था। अब पाकिस्तान क्या कहेगा? क्या ये वीडियो भी झूठा है? देखते रहिए टीवी लाइव।